हेलो फ्रेंड्स, श्वेता के किचन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। आज हम बनाएंगे चीज़ गार्लिक ब्रेड, जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में बन जाता है और बहुत टेस्टी और क्विकली भी बन जाता है। सो, इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे 4 स्लाइसेस ब्रेड लिए हुए हैं, चिली फ्लेक्स, चॉप्ड गार्लिक, बटर, ऑरिगैनो 1 टेबलस्पून, बारीक कटे हुए धनिया, कोरिएंडर लीव्स, और यहाँ पे मैं चीज़ क्यूब्स यूज़ कर रही हूँ। सो, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी एक बाउल में बटर लिया हुआ है, गार्लिक डाल रही हूँ, चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। इसमें आपको तीखा कितना पसंद है उसके हिसाब से आप डाल सकते हो, ज़्यादा कम कर सकते हो। ऑरिगैनो अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। कोरिएंडर लीव्स और सॉफ्ट, स्वाद अनुसार। सो, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये रेडी हो गया है। अभी हमें 2 ब्रेड लेने हैं और अच्छे से वो मिक्सचर को लगा लेना है। सो, अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए इसे। सो, एक के ऊपर मैंने लगा लिया है अच्छे से। अभी मैं पैन गरम कर लेती हूँ। पैन को मैंने गरम कर लिया है, इसे लो फ्लेम में ही रखना है आपको। अभी जो मैंने ब्रेड में जो मिक्सचर लगाया हुआ है, इसे मैं ऐसे ढक करके डाल दूँगी। अभी मैं इसके ऊपर चीज़ डाल दूँगी। आप कौन सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहिए तो स्प्रेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने चीज़ लगा लिया है इसके ऊपर में, और एक ब्रेड स्लाइस रख दूंगी ऐसे, और इसके ऊपर भी मैं मिक्सचर लगा दूंगी। सो, आपको फ्लेम लो में ही रखना है। इसे अच्छे से लगा लीजिए। सो, अभी हमें एक साइड फ्राई होने के लिए लाइक गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए, उसके बाद मैं इसे टर्न कर दूंगी एक और साइड भी गोल्डन ब्राउन कलर आने के लिए। सो, हमें वेट करना है 1 से 2 मिनट के लिए। अभी 1 मिनट हो गया है। सो, अभी मैं इसे दूसरे साइड से टर्न कर देती हूँ। सो, इसे भी मैं अभी गोल्डन ब्राउन कलर आने के लिए छोड़ दूंगी 1 मिनट के लिए। इसे थोड़ा ढक के रख दूंगी बिकॉज वो चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। 1 मिनट हो गया है, मैं अभी इसे ओपन कर देती हूँ, चेक कर लेती हूँ कि फ्राई हो गया है। बटर और गार्लिक का स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा है, जिसके आप यहाँ पे देख रहे हो, बस बहुत कम समय में बन जाता है ये। हाँ, ये रेडी हो गया है खाने के लिए। इसे मैं अभी सर्विंग प्लेट में डाल देती हूँ। हमारा चीज़ गार्लिक ब्रेड अब खाने के लिए रेडी हो गया है। बहुत ही क्विकली बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, और इवनिंग टाइम खाने के लिए बहुत ही मज़ा आता है। इसे मैंने ऐसे कट कर दिया है, आप चाहे तो
कैसे भी कट कर सकते हो। ये देखिए चीज़ कैसे आ रहा है। सो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, इवनिंग टाइम खाइएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका चीज़ गार्लिक ब्रेड कैसे बना है। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फ्रेंड्स।